हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो होने वाली जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब क्रिएटर है और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, या कोई भी एक वेबसाइट चलाते हैं जो एडसेंस से वेरीफाई हो चुकी है और उस पर एड सर्फ होना स्टार्ट हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली। इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी जिससे आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा और आपकी वीडियोस पे एड्स जो है वो चलती रहेंगी, आपके वेबसाइट हमेशा मोनेटाइज्ड रहेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एडसेंस का CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट और कितने परसेंट तक की सेफ रहता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हमारा एडसेंस न्यू होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस की अपडेट जो है वो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एडसेंस का जो CTR होता है। CTR मीन्स होता है क्लिक थ्रू रेट, जो कि हमारी एड्स के इम्प्रेशंस होते हैं उस पर कितने परसेंट क्लिक हो रहा है वो होता है CTR। क्योंकि बहुत से मिथ है YouTube पे कि CTR हाई होने से क्या होता है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है 10% के ऊपर तो हमारा एडसेंस जो होता है वो डिसेबल्ड हो जाता है और हमारा चैनल डीमोनेटाइज्ड हो जाता है। तो हमें और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो रीजंस देते हैं YouTube वाले वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का रीज़न देते हैं कि आपके चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही थी जिसके चलते आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल कर दिया गया है। दोनों जगह पे ये रीज़न दिया जाता है, आपको यूट्यूब चैनल पे भी और आपकी जो वेबसाइट होती है उस पर भी यही रीज़न दिया। तो इसका मेन प्राइमरी जो रीज़न होता है कि आप अपनी वीडियोस को खुद देखते रहते हैं अपने ही फ़ोन से और अपनी वेबसाइट पे जा करके बार बार उन एड्स को देखते हैं और आपसे गलती में या जानबूझ करके क्लिक हो जाता है, तो वो क्लिक्स उस पर जुड़ते रहते हैं क्लिक थ्रू रेट्स में। तो जिससे कि आपका एडसेंस का जो क्लिक थ्रू रेट होता है, मतलब कि CTR, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे यूट्यूब को लगता क्या है कि आपके चैनल पे जो है वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही है और आपका एडसेंस जो होता है वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कभी भी अपनी वीडियोस को, जब भी वो मोनेटाइज्ड आपका चैनल हो जाता है उसके बाद अपनी वीडियोस को तो बिल्कुल भी देखना ही नहीं है। सिर्फ क्योंकि आप वीडियो किस लिए बनाते हैं, दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को नॉलेज देने के लिए, तो सिंपली आप अपनी वीडियो को मत देखिए। अगर आपको देखना है तो आपने जो रेंडर फाइल की है उसको सेव किया है उसको पर जितनी मर्जी है उतना देखिए, तो ठीक है। एक बार यूट्यूब पर अपलोड हो गई वीडियो, फिर उसके बाद आपको अपनी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखना है। सबसे मेन प्राइमरी कारण यही होता है कि आपका एडसेंस जो डिसेबल्ड होता है। अब जैसे कि मेरा भी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं अपनी वीडियोस को कभी भी नहीं देखता हूँ। मेरा एडसेंस का जो CTR है वो नॉर्मल रहता है, 2-2.5% या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाता है तो 3% तक की जाता है, उसके ऊपर अभी तक नहीं गया है। इन केस अगर आपका CTR 4-5 दिन 2 दिन ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशंस होता है, जो आपकी स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स होती हैं। जो वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल, जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं स्टार्टिंग में, उस वीडियोस की आप स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स को अगर आप ऑफ कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, 2-4-5 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, तो जो आपकी एड्स हैं वो सर्व होना उस पर बंद हो जाती हैं उस वीडियो पर, जो स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, जिससे कि आपका जो CTR होता है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो CTR रहेगा वो नॉर्मल आ जाएगा। अगर फिर भी बढ़ता जाता है तो आप कुछ टाइम के लिए इन एड्स को बंद कर दीजिए। जब आपकी वीडियोस नॉर्मल चलने लगेंगी फिर उसके बाद आप अपनी एड्स को ऑन करेंगे तो परफेक्टली आपका जो CTR है वो मेंटेन रहेगा। जब एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है, ज़्यादा व्यूज़ आने लगते हैं, तब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम CTR की नहीं बनी रहती। और इस वीडियो में आपको मैं चेक करके भी दिखाऊँगा कि कैसे गूगल एडसेंस का जो CTR है वो चेक करते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं PC पे और देखते हैं कि गूगल एडसेंस का CTR कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको गूगल में एडसेंस टाइप करना है, अपने वेब ब्राउज़र में ये एडसेंस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एडसेंस की जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है। ये जो नीचे आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है लॉगिन सेक्शन, यहाँ पे आपको चले जाना है और अपने ID को लॉगिन कर लेना है, अपनी एडसेंस ID को।
इस एडसेंस लॉगिन में। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा शो होगा, कुछ यूट्यूब स्टूडियो बेटा है उनमें अर्निंग वगैरह नहीं शो हो रही, जैसे मेरे में भी अर्निंग यहाँ पे नहीं शो होती है, बट क्लासिक स्टूडियो जब मैं करता हूँ तो अर्निंग वगैरह शो होती है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट सेक्शन पे चले जाना है, रिपोर्ट सेक्शन के बाद ये आपका ओपन होगा। ऊपर आपको ध्यान देना है जो रिपोर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लासिक कर लेना है, यूट्यूब स्टूडियो बेटा नहीं करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको आपको क्लासिक मोड पे ही रखना है। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फ़िल्टर का ऑप्शन में दिख रहा है, इस फिल्टर के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट पे जा करके आपको यूट्यूब होस्ट पे क्लिक कर देना है, देन अप्लाई कर देना है। तो आपका यूट्यूब होस्ट का जो वो डेटा है आपके यूट्यूब चैनल का वो यहाँ पे शो होने। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए क्लिक्स का ऑप्शन आपको आ रहा है, क्लिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक नेम का ही ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट 7 डेज़ का CTR मॉनिटर करना है, तो यहाँ पे टू आपका CTR जो है वो शो हो रहा है। आपको सिर्फ यही CTR देखना है, इसके अलावा आपको कोई भी CTR नहीं देखना, क्योंकि आपका सिर्फ यही CTR इफेक्ट करता है आपके एडसेंस को डिसेबल होने या उसको नॉन डिसेबल होने पे। तो इस CTR को सिर्फ आपको चेक करते रहना है 2-4-5 घंटे में या पर डे एक बार ज़रूर आपको आके अपने एडसेंस अकाउंट पे चेक करना है कि मेरा CTR बढ़ तो नहीं रहा। जब आपका नया चैनल हो तब ज़रूर चेक करना है, चैनल एक बार पुराना होने पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चेक करें, लेकिन अगर आप मॉनिटर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारा चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। थैंक यू।